हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। यहाँ बाल नहीं, आपने देखा हा? हा? होता है ना, यानी ये इलाका बीमार है, गरीब गरीब, ये इलाका यतीम और पीछे का इलाका ज़कात का मुस्तहिक, इतने इतने ऐसे बाल बनाता है ऐसे। अभी करेगा क्या मालूम, चौराहे पे जाएगा जहाँ देखेगा बहुत सारे देखने वाले, वहां जाके यूं करेगा। अरे भाई क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम होगा, जुए पड़ गई, एक तो तीनों तरह से टकला कितना खराब दिखता, हाँ एक कार्टून जैसा नजर आता, बोलो सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। तो अच्छा एक बात आपको बताऊं, आपको शायद मालूम नहीं होगा क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को भी हमने देखा, तीन तीन चार चार साल के बच्चे, उनके हेयर स्टाइल है ना, यहाँ से कम, यहाँ से कम, पीछे से कम, हाँ माँ बहुत खुश होती है। हालांकि सुन लो, ये उलमा किराम यहाँ मौजूद है, 1400 साल पहले हमारे नबी ने फरमाया था एक उम्मत आएगी जिसके सर के कुछ हिस्से पर बाल होंगे, कुछ हिस्से पर बाल नहीं होंगे, भले कलमा पढ़ते होंगे मगर 24 घंटे उनके सर पर अल्लाह की लानत उतरती होगी। इसलिए मेरे प्यारो, या ऐसे वैसे बाल काहे को बनाते हो भाई। बल्कि अशरफुल भाई बहुत ताज्जुब होगा, अभी हम लोगों का एक ज़माना था भाई, आप लोगों का भी होगा, सबका होगा, बल्कि यहाँ जितने उलमा हैं, बहुत गरीबी का ज़माना भी होता है, हमारे कपड़े फटे होते थे, बोलो हमारे कपड़े, तो हम लोग मालूम शर्माते थे, जैसा ये कुर्ता फटा होता था ना तो हम उसको ऐसा कर देते थे ताकि किसी को पता ना चले कि फटा हुआ, क्योंकि भाई फटा हुआ कपड़ा पहनना अच्छा नहीं है। आज उल्टा मामला है, लोग फटे हुए कपड़े को स्टाइल बोलते हैं। यहाँ भी बैठे होंगे ऐसे बेवकूफ़ से, वो जीन्स पहनते हैं जीन्स, वो यहाँ से फटी, यहाँ से फटी, यहाँ देखा होगा कि नहीं आपने, मैंने तो वहाँ हमारे गुजरात में एक को देखा, मुझे मालूम है बहुत बड़े बाप का बेटा, लेकिन उसका जीन्स यहाँ फटी, यहाँ मैंने कहा ए भिखारी इधर आ। अरे क्या गुस्से हो गया, लेकिन जब करीब आया मैंने कहा क्या हुआ, क्यों गुस्से हो रहा, कहा कारी साहब आप सबसे सामने मेरे को भिखारी बोले, मैंने कहा तू पटलून फटी हुई है तो भिखारी बोलूँगा, तो यूँ देखा, देखने के बाद हंसता हुआ कहता है आपको नहीं मालूम ये तो स्टाइल है स्टाइल। मैंने कहा स्टाइल क्या मतलब, स्टाइल का क्या मतलब, तो उसने मुझे समझाया, कौन से पिक्चर का नाम लिया मैं भूल गया, कहा कोई पिक्चर रिलीज हुआ था, कहा उसमें कोई हीरो था, वो जो एक्टर था ना उसने ऐसी जीन्स पहना था जो एक तरफ से फटी इधर से फटी, कहा उसने पहना उसको देखकर सबने उसकी कॉपी करना शुरू कर दिया। मैं उस वक्त थोड़ी देर उसको देखा, मैंने कहा अच्छा उसने पहना तो सबने पहनना, मैंने कहा नहीं पहना होता तो कहा तो बयान में भी कोई नहीं बैठता। नहीं बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बहुत अजीब और गरीब मामला मेरे प्यारो। सच बताओ भाई, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, कौन कौन मोहब्बत करता है एकदम से?